Wake up, brother, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought. Hey guys, welcome back to my channel. कल पूरा रात जाग के मुझे एक प्रेजेंटेशन रेडी करना था ऑफिस के लिए, तो मैं इसी रूम पे ही सो गई थी. एंड आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग सा है, तो मेरे साथ बने रहिए. मॉर्निंग का ये जो टाइम होता है बहुत ज़्यादा खास होता है, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे ना वेट करते हैं कि मम्मा कब उठेगी, और दोनों के साथ मुझे खेलना पड़ता है क्योंकि दोनों इंतज़ार में रहता है. तो मैं टॉम के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, सुकून लगता है. मुझे टाइसन के साथ टाइम स्पेंड करके अच्छा लगता है, और ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट टाइम है जब मैं दोनों के साथ खेलती हूँ. पूरा रात जाग के मैंने कल काम किया है, एंड अभी सुबह मुझे एकदम से एनर्जी नहीं है कि मैं कुछ भी कुकिंग करूं. तो मैं ब्रेकफास्ट में आज पपीता खा लूँगी, जो हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, बेनिफिट है स्किन एंड हेयर के लिए भी. लिविंग एलोन लाइफ सुनने में कितना कूल लगता है. ऐसा लगता है लाइफ में बहुत ज़्यादा फ्रीडम है, जो भी मन आए करो, पेरेंट्स नहीं साथ में रहते, कोई देखने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है. बट लिविंग एलोन लाइफ सबसे ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि आपको हर एक चीज़ खुद से करना पड़ता है. आपका हर एक खर्चा से लेके घर का ख्याल रखना, आपका खुद को अपने का ख्याल रखना, आपका ऑफिस का काम का टेंशन, एवरीथिंग, घर का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, आपका राशन, आपका अगर पेट अगर रख रहे हो तो उन लोग को ध्यान रखना, आपको खुद को भी ध्यान रखना होता है. ऑफिस का भी काम का इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, हर एक चीज़ आप खुद करते हो. जो हमारे मम्मी पापा हम लोगों के लिए घर पे करते थे, समझ में नहीं आता है, अब जाके समझ में आता है कि कितना ज़्यादा टफ होता है. लोगों को पहचानते हो, अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे लोग भी मिलते हैं, बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड होते हो तो बहुत सारे चीज़ सीखने को भी मिलता है. मॉर्निंग के टाइम पे जो ठंडी ठंडी जो वेदर रहती है, जो हवाएं जो छूके गुजरती है, एक अलग ही सुकून मिलता है. मेरा बहुत फेवरेट टाइम है ये. जिम से आने के बाद मुझे बहुत भूख लगी थी, तो मैं कप मैगी रेडी कर रही हूँ. ये आटा का है, ये मैदा का नहीं है, तो ये हेल्दी भी है, तो इसको अच्छे से खा भी सकते हैं, और ये बहुत टेस्टी भी है.
मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी इसलिए मेरा कुकिंग करने का दिल नहीं था, इसलिए मैंने कप मैगी बना लिया। बट मैं बहुत ज़्यादा रेयर खाती हूँ, जब भी कुछ इमरजेंसी टाइप कुछ होता है कि मुझे खाना है तभी खाती हूँ, अदरवाइज़ मैं कुकिंग कर लेती हूँ। फाइनली मैगी खाने के बाद मेरा बॉडी में एनर्जी आ ही गई है। तो अभी मैं लंच बना रही हूँ, तो लंच में मैं मटर और चना का सब्ज़ी बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है। और आप रोटी या चावल के साथ आप आराम से खा सकते हो, क्योंकि इसमें ग्रेवी भी अब ज़्यादा कम, जो भी आपका दिल करे वैसे आप कर सकते हो। और मटर को से मटर और जो चना है उसको रात भर आप भिगो के रख दो, उसके बाद बॉईल करने में थोड़ा सा टमाटर दे दो, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा मीट मसाला या फिर चिकन मसाला जो भी आपके पास होगा, नमक और हल्दी आप चाहो तो दे सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं भी दे सकते, क्योंकि जो मीट मसाला रहता है उसमें थोड़ा सा येलो कलर आ ही जाता है। एंड उसके बाद थोड़ा सा पाँच फोड़न या फिर कलौंजी या फिर जीरा का जो भी है वो आप फोड़ोंग, उसके साथ थोड़ा सा ऑनियन को थोड़ा सा हल्का सा रेड करने के बाद आप आराम से उसको तड़का लगा सकते हो। एंड जो मैं अचार मैंने डाला है वो बहुत अच्छे से टेस्ट देता है, बहुत ही चटपटा खट्टा 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 आपको टेस्ट देगा, बहुत ज़्यादा यम लगता है। सो मैं ऐसे करके बनाती हूँ रोटी चावल के साथ, इसको आराम से खा सकते हो, बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। बार बार मैं बोल रही हूँ रोटी चावल, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो यस गाइस, मेरा लंच रेडी हो गया है, अब मैं खाऊँगी थोड़ा देर बाद, नॉट नाउ। आज मेरा टॉम बाबू का वैक्सीनेशन का डेट था, तो मैं उसको लेके आई हूँ डॉक्टर के पास और अभी उसको वैक्सीनेशन लगाएंगे, उसका वेट चेक करेंगे एंड उसका रूटीन चेकअप भी होगा, क्योंकि ये सारे चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका पेट के लिए कि आप टाइम टू टाइम उसका वैक्सीनेशन और उसको डॉक्टर के पास विजिट करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा हो गया है आइसिंग, मतलब मेकअप का जो बेस होता है बहुत अच्छे से सेट होता है, तो इसलिए मैं कभी कभी कर लेती हूँ, जल्दी से मैं रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि वैसे भी बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, क्योंकि बाबू को मैं लेके गई फिर लेके आई फिर थोड़ा काम भी था बीच में, सो इसका भी हालत ख़राब हो गया है। तो अभी जल्दी से वॉश करके रेडी होके फिर आप लोगों से मैं मिलती हूँ। गाइज चलो अब शॉपिंग करते हैं, साथ में बहुत लेट हो गया था इसलिए मैंने घर पे कुछ सूट नहीं किया था, तो चलो अब शॉपिंग करते हैं, देखते हैं ज़ारा में क्या क्या आया है न्यू न्यू। We face it all cause now we know that we can take it. We face it all cause we go big or we go home. Dance like you. अभी ज़ारा में ज़्यादा न्यू कलेक्शन नहीं है, थोड़ा बहुत पुराना कलेक्शन है, पर उसमें से मैंने थोड़ा बहुत ढूंढ के अपने लिए निकाल ही लिया है। We face it all cause now we know that we can take it. We face it all cause we go big or we go home. Dance like you made it and you found it all. This is paradise. Dance like you made it and you found it all. This is paradise. This is paradise. गाइस ज़ारा का ये न्यू कलेक्शन है, ये क्रोकोडाइल चमक रहा है ना, एंड कितना ज़्यादा कूल भी लग रहा है पर बहुत ज़्यादा हैवी भी है। सो
शॉपिंग मेरी हो गई है, अब मैं वॉशरूम आई हूँ, पर वॉशरूम में भी बहुत ज़्यादा रश है। एंड मैंने अपने हेयर को टाई कर लिया है क्योंकि मम्मी बोलती है वॉशरूम कभी भी ओपन हेयर में नहीं जाना चाहिए, न यूज़ करना चाहिए, एंड मम्मी का बात हमेशा मानना भी चाहिए। शॉपिंग तो हम लड़कियों के लिए थेरेपी है जो हमें खुश करती है, तो मैंने भी अपने आप को खुश कर दिया अब ढेर सारा शॉपिंग करके। आज का दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक था पर बहुत ज़्यादा अच्छा भी था। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं इंतज़ार करूँगी आपकी कमेंट की। सो मेरे वीडियो को अब लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है, अपनी बहन को बहुत सारा प्यार देना है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय।